नमस्कार, हमीर दस्तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मीना ठाकुर, जिला हमीरपुर से इवनिंग बुलेटिन में जो है एक बार फिर से आपके साथ लाइव जुड़ चुकी हूं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। आज क्या कुछ हलचल रही हमीरपुर शहर में और क्या कुछ देखने को मिला, हम इन सबके बारे में जो है आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरी खबर में। पहली खबर के साथ शुरुआत करते हुए तकनीकी शिक्षा व आईटी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो थे आज हमीरपुर में मौजूद थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वहां पे बताया कि हमीरपुर के परिसर में इसी शैक्षणिक स्तर से जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस की कक्षाएं शुरू की जाएंगी और साथ ही तकनीकी विवि में एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा साइंस के विषय शुरू जो है वो जल्द से जल्द किए जाएंगे, जिसके जो पाठ्यक्रम तैयार जो है वहां पे एक तरह से वो किया जाएगा। और हमीरपुर में जो है आज जो शिक्षा मंत्री व तकनीकी विवि के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने जो है संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जो है मीडिया वालों से जो है बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो एमसीए के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम में डाटा साइंस में जो है जोड़ने की योजना वो बना रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को बाजार की जरूरत के अनुरूप जो है तैयार किया जाएगा और जल्द ही तकनीकी जो विवि परिसर में प्लेसमेंट और प्रशिक्षण सेल का जो है गठन किया जाएगा, जिसके लिए स्थायी प्लेसमेंट ऑफिसर की जो है नियुक्ति की जाएगी। और तकनीकी शिक्षा ने कहा कि तकनीकी विवि का चौथा दीक्षांत समारोह जून जुलाई के माह में जो है प्रस्तावित है और दीक्षांत समारोह को लेकर जल्द माननीय राज्यपाल एवं कुल अधिपति से जो चर्चा पर करके जो है तिथि तय की जाएगी। और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो तकनीकी विवि परिसर में एक नया शैक्षणिक जो भवन का निर्माण प्रस्तावित है और जिसमें जो है निर्माण कार्य जो जल्द शुरू कर दिया जाएगा और नए जो शैक्षणिक भवन में जो है थिएटर सहित जो है अत्याधुनिक क्लासरूम तैयार वहां पे की जाएगी। और साथ ही साथ डॉक्टर मारकंडा ने कहा कि तकनीकी विवि परिसर में जो है जो निर्माणाधीन जो शैक्षणिक भवन का जो है जल्द वहां पे लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा तकनीकी विवि परिसर में ओपन एयर थिएटर जो है टक शॉप का वहाँ पे निर्माण वहाँ पे प्रगति में है और जो जल्द ही विद्यार्थियों के लिए अब वहाँ पे खोल दिया जाएगा। और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने साथ ही ये भी बताया कि तकनीकी विवि में जो है शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति का जो है मामला उनके जो है ध्यान में है और जल्द ही मुख्यमंत्री से जो है इस बारे में जो मामले में लेके जो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो उनके साथ। उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत कड़ोहता के जो अंतर्गत आने वाले गांव जाड़ में रविवार को जो है 10 बजे जो है आगजनी की घटना जो होने से जो है गरीब परिवारों का जो लाखों रुपए वहां पे नुकसान हुआ उनका और उनका मकान जो है पूरी तरह से वहां पे जल गया। और मिली जानकारी के अनुसार जो है ग्राम पंचायत कड़ोहता में जो है संध्या देवी पत्नी स्वर्गीय रूपलाल के मकान में जो है रात को लगभग 10 बजे के अचानक वहां पे आग की चिंगारी से भड़क उठी वहां पे और जिससे परिवार का जो है लाखों का नुकसान वहां पे जो है वहां पे हुआ, जिससे जो है पूरा का पूरा जो है उनका वो जल गया, घर जल गया और गौशाला की जो गौशाला थी वो भी उसकी चपेट में आ गई और जिससे पीड़िता का परिवार जो है लाखों रुपए के नुकसान वहां पे उन्हें हुआ। और आग लगने के कारणों का जो है वो अभी तक पता जो है नहीं चल पाया है और इस तरह से जो है मकान को जो आग लगी, लेकिन आग ने जो है गरीब परिवार का जो है एक आशियाना को वहां पे जला के राख कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में जो है आज जो है जिला स्तरीय धरने का आयोजन किया गया। इसमें सरकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय किए गए 7वें वेतनमान का जो है मान्य व लागू करने का आग्रह किया गया सरकार से। इसे अन्य 26 राज्यों की तर्ज पर कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो है यथावत लागू करने और रुकी हुई जो एमफिल और पीएचडी की वेतन वृद्धियां प्रदान करने का जो था जो एडिट ऑफ जो ज्वाइनिंग से नेशनल जो नेशनल बेनिफिट देने के अतिरिक्त चल रहे जो महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के पदों को जो है शीघ्रता से भरने तथा महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद
सृजित करने की मांग जो है इसमें रखी गई है। ये जो पूरा धरना है इसी के लिए जो हुआ। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नादौन स्थित हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 3 छात्रों ने जो है NTA द्वारा आयोजित ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट की परीक्षा में उत्तीर्ण जो है किया है और 9 अप्रैल 2022 को हुए इस परीक्षा में पूरे भारत में कुल 50,508 विद्यार्थियों ने जो था भाग लिया था। और हाइपर फार्मेसी कॉलेज के चेयरमैन अशोक शर्मा व कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जो कॉलेज के 2018-2012 सत्र के जो 3 छात्रों जो अंजलि ठाकुर, पंकज कुमार और सुदेश कुमारी ने जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज का जो है नाम रोशन इसमें किया। और इस पर कॉलेज की सेक्रेटरी सेक्रेटरी काजल जोशी स्टाफ जो इन सभी ने जो है उनको बधाई दी। और कॉलेज के जो चेयरमैन और प्रिंसिपल ने है उन्हें जो है पुरस्कार से वहां सम्मानित किया और ये जो है उनके लिए काफ़ी जो है गौरव का इसमें विषय रहा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हिमाचल दस्तक और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कल मिलते हैं इसी समय इवनिंग बुलेटिन पे। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।